नॉर्मल लेजिट प्लेयर के सामने मर गया तू, नल्ला है करो के भाई चुतिया। बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये भैनचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे वही है करे मादर चोत। अरे हैकर, तेरे माँ बाप ने हैक करके पैदा किया है। डिपेंड डिपेंड डिपेंड। हेलो, अरे हैकर मादर चोद। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। हेलो भौंसड़ी वाले। दिपेन दिपेन। हेलो हैकर, हैकर कौन दिपेन बोल रहा है की माँ का, हैकर की माँ का भौंसड़ा, भौंसड़ी वाले हैकर। कोई हैकर है इस गेम में बताओ। हेलो सबसे ऊपर आरपी वाले बन गए। अरे बोलना मादर चोत, बल 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 क्या कर रहा है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हाँ तो भाई लोगों यार क्या हाल है आप लोगों के। गाइस यार आप लोगों ने ऑल पे उस बंदे की बातें तो सुनी ली होगी। वो बंदा जो है काफी ज्यादा नाराज हो गया था हैकरों से। मेरे को तो गाइस ऐसा लगता है कि वो पिछले मैच में हैकरों से गंदा वाला माइनस खा के ये गेम स्टार्ट किया है, इस वजह से इतनी ज़बरदस्त गालियाँ वगैरह दे रहा था। एंड गाइस यार अगर इस गेम की बात हमें की जाए सो आप लोगों को इस गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर इसी तरह के फनी आप लोगों को कुछ वॉइस देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हंसाने वाली है। तो यार अभी जो हम यहाँ पे हंसना है उतरे हैं। एंड गाइस हमें लैंड करते टाइम तो कोई भी आसपास एनिमी देखने को नहीं मिला, लेकिन गाइस हम बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है क्योंकि आप सब लोगों को पता है यार रैंक पुशिंग के अंदर हंसना है कैंपरों का अड्डा होता है। सो मैं आराम से जो है होल्ड वगैरह कर करके लूट कर रहा था। और गाइस मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोग भी रैंक पुशिंग कर रहे हैं एंड यसनाएं उतर रहे हैं सो आप लोग भी गाइस सख्त लोंडा बन जाओ, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई भी बॉट फायर आता है सो आप यार कभी भी उसको मारने जाते हो तो यार ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, बंदे को मारने जाते हो उसी तरीके से बॉट को मारना गाइस, आप ये हमेशा ध्यान रखना। काफ़ी बंदे क्या करते हैं गाइस यार बॉट को मारने के चक्कर में जाते हैं एंड एकदम से बंदा निकलता है और माइनस करवा के बैठ जाते हैं। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है गाइस, बोट मार भी दो आप तो अगर आप कंफर्म भी हो जाओ गाइस बोट है फिर भी आप आराम से उसको मारो। तो यार अभी हमें जो यार स्कारल एंड विक्टर मिल चुकी है एंड अभी तक जो है काफ़ी सारे कंपाउंड बाकी है, तो हमें अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लूट करनी बाकी है। एंड हम यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत लूट करते हैं एंड थोड़ा बहुत होल्ड करने के बाद में गाइस। तो यार यहाँ पे मैं कंपाउंड वगैरह लूट रहा था उतने में गाइज मेरे को यहाँ पे बाहर सा हल्का सा साउंड आने लग जाता है एंड गाइज मैं चेक करने के लिए यहाँ पे भी टीपी भी लेने लग जाता हूँ और उतने में गाइज मेरे को नीचे से यहाँ पे बंदा भागता हुआ दिखता। अब गाइज मेरे को पता नहीं था ये बोट है या बंदा है, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर फायर करता हूँ एंड गाइज यार ये तो बोट ही था। अब गाइज यार मेरे को पता नहीं था सच में गाइज मेरे को ये रियल बंदा लग रहा था जिस तरीके से ये फर्स्ट टाइम भाग के आ रहा था वो भी गन को पीछे करके, सो मेरे को तो यार ये बिल्कुल ही मतलब रियल बंदा लग रहा था। तो यार ये तो बोट निकला है और इसको आराम से मार के आराम से हम जो है यहाँ पे लूट वगैरह करके होल्ड करते हैं थोड़ा बहुत। तो यार यहाँ पे क्या होता है ना गाइज मैं जो है यसनाया में लूट वगैरह करता हूँ एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा लूट मिल जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा हीलिंग का सामान मिल जाता है। सो मैं सोचता हूँ यहीं पे होल्ड करता हूँ ताकि मैं जो है अच्छा खासा रैंकिंग में आ जाऊँ, क्योंकि अभी भी जो है गाइज 37 बंदे अलाइव है। सो मैं सोचता हूँ यहीं पे होल्ड वगैरह करता हूँ एंड मैं आराम से बैंडेजेस वगैरह लगा रहा था क्योंकि गाइज मेरे को जो है सर्कल भी मेरे से कुछ ज़्यादा दूर नहीं बना था, तो मैं आराम से यहाँ पे होल्ड कर रहा था। तो उतने में गाइज क्या होता है ना मेरे पास में एक बग्घी रुकती है एंड मैं सोचता हूँ यार ये शायद ये भी होल्ड करने के लिए यहाँ पे आया होगा, लेकिन यार वो बंदा तो जो है फटाफट सीढ़ियाँ चढ़े जा रहा था। तो मैं सोचता हूँ यार यहाँ पे टीपी भी लेने लग जाऊँ एंड मेरा हीलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, तो मैं सोचता हूँ यार एक बैंडेज लगा लेता हूँ एंड टीपी भी ले लेता हूँ। सो अभी देखना गाइस वो एकदम से सामने आएगा। हाँ तो यार इन जनाब ने जो है हमें स्पीड एक लगा के मार दिया, लेकिन गाइस इस बंदे ने इतना हाई लेवल का
फेक लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी आप लोग इसकी नूब हरकतें देखो। ये बंदा जोन के बाहर रहकर सरवाइव कर रहा है सच में, मतलब इतना मतलब हाई लेवल का हैक लगाने के बावजूद भी गाइज इन लोगों की कॉन्करर लोबी के अंदर फटी पड़ी है, बहुत बुरी तरीके से गाइज फटी पड़ी है। ये नूब है, चले नूब की तरह ही खेलेंगे। अब आप लोग खुद देखो गाइज, यार मैं इधर जोन के बाहर सर्वाइव कर रहा था, ये बंदा मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा दूर उतरा था और ये बंदा मेरे पास में बग्गी लेके आया गाइज। अभी गाइज यार आप लोग ये गेम प्ले पूरा देखना, इसकी नूब हरकतें देखना गाइज इस पूरे गेम प्ले के अंदर, और ऑल पे इस बंदे को कितनी बुरी तरीके से गालियाँ पड़ेगी। आप लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइज। अब ये बंदा क्या करता है ना गाइज, यहाँ पे हीलिंग वगैरह करता है एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करने लग जाता है। यहाँ पे क्या होता है ना गाइज, ये हैकर जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करने के बाद में इस कंपाउंड पे आ जाता है एंड इस कंपाउंड पे पता नहीं इसको कौन सामने कोई बंदा दिखता है एंड ये उसको मारने के लिए जाता है अपना स्पीड एक लगा के। अब इन दोनों की फाइट देखो गाइज भाई, मतलब कमाल है यार, सब हैकर बड़े पड़े हैं गेम के अंदर और ये भाई अलग ही लेवल के हैकर है जो कि साथ की केडी लेके बैठे हैं। उस बंदे ने स्पीड हैक लगाने के बावजूद भी उसको पूरी तरीके से मारा एंड अब ऑल पे उस बंदे के ऊपर जो गालियाँ पड़ी है, जो वो हैकर मरा अभी गाइज, उस बंदे को क्या ही गालियां पड़ी हैं आप लोग खुद देखो। मदरचोद नल्ला हैकर हेलो भोसड़ी के कैसा लगा बे चुती है? अबे चुती है पता है भोसड़ी के मदरचोद नुब्रा कही क्या कैसा हैकर रे बे चुतिया, चल ऐसे मर गया बे। कौन बोल रहा है अभी जो मरा वही ना वो मिल्टा के साथ? अरे भाई मैंने एक को मरा जोन से मर गया मैं बाद में हैकर ही था वो। भाई ने बोला बोला बोल हाँ भाई मैं ही मरा हूँ तुमसे, जो तुम जोन से मरे ना अभी एसएमबी से मार रहा था। हाँ हाँ भाई पता है भाई तुम हैकर थे। ओ कौन सा हैकर भाई, कौन बुरा हैकर यार हैकर। अरे वेक्टर चला रहा था ना भाई, वेक्टर चला रहा था ना तू? हां तू वेक्टर चला रहा था ना उधर? हां तो वेक्टर चला रहा था, एसएमजी नहीं लेगा तेरे तो चूतिया का एक ही गन लेकर घूमेगा क्या? अरे भोसड़ी के तुम तो हैकर ही, तो पता था ना मेरे को तुम हैकर ही थे। अरे तू तो हैकर था ना भोसड़ी के, नॉर्मल लेजिट प्लेयर के सामने मर गया तू, नल्ला हैकर हो के भाई चूतिया। मर गया भाई चूतिया, कैसा है करे नुबरा। चलो भाई चलो।